self-driving cars are one of the natural extension of active safety and obviously something what we should do. जी हाँ, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं गुलजार मारुति ड्राइविंग स्कूल की लेडी इंस्ट्रक्टर से. हम सब चाहते हैं कि हम अपनी खुद की कार खुद ड्राइव करें, क्योंकि ये एक सबका एक पैशन होता है, एक लव होता है कि हम अपने व्हीकल को खुद ड्राइव करें. और आज जिस रेलेवेंट टॉपिक पे हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, वो टॉपिक है कि थ्योरेटिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कितनी इंपॉर्टेंस रखती है हमारे कार ड्राइविंग के लिए. और जिस लेडी इंस्ट्रक्टर से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, मिसिस मनप्रीत, वो हैं गुलजार मारुति ड्राइविंग स्कूल की असिस्टेंट मैनेजर. साथ ही वो एक रोल प्ले कर रहे हैं लेडी इंस्ट्रक्टर का, वो ट्रेनिंग भी देते हैं वहाँ पर. तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए उनसे आपको मिलवाते हैं और शेयर करते हैं कि आज वो हमें कितनी अच्छी टिप्स देती हैं ड्राइविंग को लेकर, थ्योरेटिकल नॉलेज को लेकर. तो चलिए आप सबको मिलवाते हैं उनसे. हेलो मैम, हाउ आर यू? हेलो मैम, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी. थैंक यू मैम. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू पर्सनली कि आपके और आपके चैनल के माध्यम से हमें आज ये इतना सुनहरा मौका मिला है कि हम अपने ड्राइविंग स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो थैंक यू सो मच. तो मैम, सबसे पहले वैसे तो हमने आपका एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे ही दिया अपने चैनल को, बट हम चाहते हैं आप अपने वर्ड्स में कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे अपने आप. माई सेल्फ मनप्रीत कौर एंड आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट. आई एम वर्किंग विद गुलजार मारुति ड्राइविंग स्कूल फॉर लास्ट 7 years. ओके, यू आर वर्किंग फ्रॉम लास्ट 7 years. यस. एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? ए गुड एक्सपीरियंस, वंडरफुल एक्सपीरियंस. नए नए लोगों से मिलते हैं और बहुत अच्छा लगता है, नए नए एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, वंडरफुल एक्सपीरियंस. मैम, अपनी कवरेज स्टार्ट करने से पहले, जैसे हमने बताया, एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि थ्योरेटिकल नॉलेज ड्राइविंग के ड्यूरिंग टाइम पीरियड कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं एक पर्सन के लाइफ में. तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप हमें ये बताइए कि व्हाई शुड वी चूज गुलजार मारुति ड्राइविंग स्कूल रादर देन प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल. एक्चुअली ये है कि जो हम थ्योरेटिकल क्लासेस पढ़ाते हैं, हमारे ड्राइविंग स्कूल मारुति का कोई भी स्कूल है, उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें पहले बेसिक से स्टार्ट किया जाता है. तो बेसिक हम थ्योरेटिकल पार्ट से स्टार्ट करते हैं. थ्योरी क्लासेस होती हैं, सिमुलेटर क्लासेस होती हैं, ऑन रोड क्लासेस होती हैं. उसके बाद हम सर्टिफिकेशन भी करते हैं, सर्टिफिकेट इशू किया जाता है. और ऑल इंस्ट्रक्टर्स जो हमारे यहाँ टीच करते हैं, सब IDTR ट्रेंड हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च एक इंस्टीट्यूट है जहाँ से इनको ट्रेनिंग मिलती है बाकायदा. उसके बाद ये जाकर लोगों को टीच करते हैं. उसके बाद हमारे पास लेडीज़ के लिए, फीमेल्स के लिए फीमेल्स इंस्ट्रक्टर्स भी अवेलेबल हैं, और बुक सीडीज और ऑटो कार्ड भी हम प्रोवाइड करते हैं. मतलब काफ़ी कुछ है. एक 21 days की कोर्स में आपको इतना कुछ पैकेज मिल जाता है, एक वंडरफुल पैकेज है. तो मैम ये बताइए, बिगनर्स के लिए, लर्नर्स के लिए जो फर्स्ट टाइम आपके स्कूल को विजिट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको सुन के कहीं ना कहीं वो तो लगता होगा शौक की यार, प्रैक्टिकल नॉलेज तो हमें सारे ही दे रहे हैं, प्रैक्टिकल स्कूल्स जो खुले हुए हैं, जो वो लोग भी आते हैं घर पे, घर से आपको पिक करते हैं, आपको कार ड्राइव करना सिखा देते हैं. तो आप स्पेशली क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? थ्योरेटिकल नॉलेज सुन के क्या कभी किसी को ऐसा ऑकवर्ड फील हुआ है? नहीं, आज तक ऐसा नहीं हुआ है. देखो, शुरू में क्या होता है, हम लोग जब ज्वाइनिंग्स होती हैं, लोगों के इस तरह के एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं हम लोगों के साथ कि हमें क्यों थ्योरी क्लासेस लेने की ज़रूरत है, जब हम लोगों को तो सिर्फ गाड़ी ही चलानी है, ड्राइव करना है ऑन रोड पे, तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी. लेकिन हम लोगों को समझाते हैं कि नहीं, थ्योरेटिकल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एवरीवन. ठीक है, बेस उसमें हम क्लियर करते हैं. जैसे कि अगर फर्स्ट थ्योरी जो हमारी होती है उसमें है व्हीकल कंट्रोल एंड मैकेनिज्म है, तो हमने ABC से स्टार्ट करना है आपको. अभी एक्सीलेटर का क्या रोल प्ले हम करते हैं उसमें, आप जब ड्राइविंग करते हैं तो एक्सीलेटर है, एक्सीलेटर पैडल का क्या रोल है, क्लच है तो क्लच का क्या रोल है, ब्रेक का क्या रोल है, तो ये सारी चीज़ें हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं. अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो अगर हम अपने बच्चे को किसी स्कूल में एडमिशन भी करवाते हैं, तो हम लोग पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हमारे बच्चे का बेस क्लियर होना चाहिए. अगर बेस क्लियर नहीं है तो भी आगे वो नहीं कर पाएगा, प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा. तो बेस से हम स्टार्ट करते हैं मेनली. तो मैम, जैसे आपने बताया कि 21 days का कोर्स है, तो थ्योरेटिकल क्लासेस अराउंड इसमें कितनी है? इसमें 4 थ्योरेटिकल क्लासेस हैं. जो फर्स्ट क्लास है वो व्हीकल कंट्रोल एंड मैकेनिज्म है. सेकंड में हम रोड साइंस, रोड मार्किंग्स वो सब बताते हैं, कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट थर्ड क्लास है. उसके बाद फोर्थ क्लास है लॉ एंड ड्राइविंग, और साथ में इसके ऐड होता है फर्स्ट एड.
मतलब फर्स्ट एड में हम ये चीज़ बताते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट, अगर ऑन रोड पे आप जा रहे हो और आपके सामने कोई एक्सीडेंट हुआ है तो आप उस वक्त क्या विक्टिम की हेल्प करेंगे और किस तरह से हेल्प करेंगे, तो यहाँ तक हमारी जो मतलब ट्रेनिंग हम देते हैं। तो ये सारा सिलेबस जो है मारुति का सिलेबस है, मारुति ने ही डिसाइड किया है। और देखो मेरे लिए ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है, ये कह लो कि मारुति का नाम जुड़ना ही सबसे बड़ी बात है। जिस आउटलेट के साथ मारुति का नाम जुड़ जाता है तो उसकी स्टडी, उसके इंस्ट्रक्टर्स, सबकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद हम सिखाते हैं। सर्टिफाइड कोर्स? यस यस सर्टिफाइड, बिल्कुल। इसके बारे में प्लीज कुछ मेंशन कीजिए व्यूवर्स के साथ, किस से ये सर्टिफाइड है और किस टाइप का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, मतलब आफ्टर गेटिंग ट्रेनिंग फ्रॉम योर ड्राइविंग स्कूल। देखिए ऐसा होता है जैसे कि 4 डेज की हमारी थ्योरी क्लासेस होती हैं, वो कंप्लीट हो जाने के बाद सिमुलेटर क्लासेस होती हैं, सिमुलेटर हो गया, ऑन रोड हो गया, सभी क्लासेस हो जाने के बाद 2 टेस्ट होते हैं, एक थ्योरी टेस्ट होता है, एक ऑन रोड प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। अगर वो दोनों टेस्ट स्टूडेंट क्लियर कर लेता है तो मारुति के बिहा पे हम उनको सर्टिफिकेशन देते हैं, सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, वो एक तरह से एज अ प्रूफ है कि हाँ आपने हमारे यहाँ से ड्राइविंग सीखी है। यस यस। एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब आप थ्योरी क्लासेस लेते हैं तो जैसे कहते हैं ना लेक्चर्स के या इवन आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, जब मैम क्लास में पढ़ा रहे हो तो समटाइम्स ना वो बहुत बोर फील करते हैं, उन्हें नींद आनी स्टार्ट हो जाती है, तो आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि ड्यूरिंग थ्योरी क्लासेस जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो कहीं बोर फील कर रहे हैं या उनको नींद आ रही है, तो आप उनको कैसे चीयर अप करते हैं? हाँ ये बहुत रेयर होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है, मतलब बहुत हम कह सकते हैं आप इतनी अच्छी लेडी इंस्ट्रक्टर हैं कि आपके लेक्चर सुनने के बाद सब मेकअप हो जाते हैं और हाँ ये होता है, ये मतलब बहुत रेयर है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम कई बार क्विज कर देते हैं, ठीक है, कोई ना कोई क्वेश्चनिंग आंसरिंग होती है, लोगों के एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं, हम कहते हैं कि हाँ जी आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ भी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ, तो वो लोग जब शेयर करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मैम एक एग्जाम्पल दे के बताइए इसका कि कैसा आपका वो एक कभी कोई जैसे आपने बताया रेयर ऐसा होता है, तो वो एक एक्सपीरियंस कोई हमसे शेयर कीजिए। अभी कुछ टाइम पहले की ही बात है कि मैं क्लास में थ्योरी पढ़ा रही थी, तो सेकंड थ्योरी का चैप्टर चल रहा था, उसमें एक रोड साइंस है, वार्निंग साइन में है, तो उसमें एक काऊ है, काऊ एक साइन के अंदर है जैसे कि ट्रायंगल में है, तो मैंने स्टूडेंट से पूछा कि हाँ बताइए भी इस साइन का क्या मतलब है, वो वार्निंग साइन के अंदर में काऊ थी, तो मैंने उनसे पूछा बताइए भी इसका क्या मतलब है, तो उन्होंने मुझे इसका आंसर ये दिया कि यहाँ पे काऊ बैठी हुई है। तो क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब लोग बहुत हंसने लग गए, तो अच्छा लगता है, देखो सबका पार्टिसिपेट करते हैं सब लोग, सबका इन्वॉल्वमेंट होता है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि सब लोग इन्वॉल्वमेंट करते हैं, इंजॉय करते हैं, तो मैंने उनको फिर उनका सही आंसर बताया कि इस साइन का ये मतलब है। यस। तो मैम आपको क्या लगता है, जैसे अभी आप थियोरेटिकल क्लासेस लेते हैं, आपको लगता है कहीं थ्योरेटिकल नॉलेज लेने के बाद, थ्योरेटिकल नॉलेज ग्रैप करने के बाद एक्सीडेंट रेशियो में कहीं फॉल डाउन आएगा, स्पेशली हमारी स्मार्ट सिटी लुधियाना में जहाँ पे ट्रैफिक रूल्स को रेयर ही कोई फॉलो करता है? नहीं नहीं ऐसा, देखो ऐसा ज़रूर होगा, अगर हम बेसिक से जैसे हम पढ़ाते हैं, ठीक है, हम उसमें रोड साइंस भी बताते हैं, कॉजेज़ ऑफ एक्सीडेंट्स बताते हैं, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स बताते हैं कि हम एक्सीडेंट से कैसे बच सकते हैं और लोगों को भी सेफ कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब हम थ्योरी पढ़ाते हैं तो उसके बाद जब स्टूडेंट्स यहाँ पे आके पढ़ते हैं और उसको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, तो अगर इस तरह से होता चला जाए, मतलब ये तो मारुति के स्कूल्स में टीचिंग्स होती हैं, अगर प्राइवेट स्कूल्स में भी अगर धीरे धीरे ये चीज़ें शुरू होने लग जाएँ तो ये चीज़ें बहुत हद तक कम होती चली जाएंगी, एक्सीडेंट्स की रेशियो बहुत कम होती चली जाएगी। You are providing simulator classes also in your school. So what is the main role of simulator classes to giving knowledge to your students? Actually, simulator is a dummy car. Okay. कुछ लोग इसको टॉयस समझ लेते हैं या गेम समझ लेते हैं, ये गेम नहीं, इट्स नॉट अ गेम, ये एक डमी कार है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं, इसमें भी जैसे कि हमने थ्योरेटिकल में अराउंड कितनी क्लासेस होती हैं? जो सिमुलेटर की क्लासेस हैं ये 5 क्लासेस हैं। यस यस। तो इसमें भी हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि जो चीज़ें पहले इसमें वो चीज़ें कवर होती हैं जो चीज़ें हम आपको ऑन रोड पे नहीं करवा सकते, जैसे कि फॉग में कैसे ड्राइव करना है, रेन में कैसे करना है, नाइट में कैसे ड्राइव करेंगे, हिल में कैसे ड्राइव करेंगे, साथ के साथ इसमें बेसिक भी कवर किया जाता है कि आपको स्टीयरिंग है तो स्टीयरिंग कैसे होल्ड करना है, आपको पैडल्स का कैसे यूज़ करना है। सिमुलेटर क्लास में वो सारी सर्विसेज हैं जो कार में होती हैं, जैसे
गियर एंड स्टीयरिंग और लाइटनिंग प्रोविजन सब कुछ है, सब कुछ तो हमें मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारे लर्नर्स हैं उनको ऐसा फील होएगा कि दे आर ड्राइविंग कार ऑन रोड। यस यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे लगती है कि जैसे हम थ्रेटिकल पार्ट कराते हैं, उसके बाद सिमुलेटर कराते हैं, उसके बाद हम ऑन रोड पे लेके जाते हैं, तो इसे कहीं ना कहीं स्टूडेंट का एक फेथ बन जाता है हम लोगों के साथ, एक हेजिटेशन खत्म हो जाती है और आपका टाइम निकल होता। अभी ऑन रोड पे क्या है कि ऑन रोड पे जाके इंस्ट्रक्टर को ये बताने की ज़रूरत नहीं होगी आपको कि हाँ आपको क्लच कैसे यूज़ करना है, आपको स्टेयरिंग कैसे होल्ड करना है, तो ये चीज़ें हम आपको इंटरनली ही हेल्प करके अंदर ही गाइड कर देते हैं, तो उससे आपका टाइम सेफ हो जाता है ऑन रोड पे। तो मैम डेमो क्लासेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, वो भी आपकी होती हैं? Yes. वो कितनी देर की होती है, उसमें आप क्या मतलब सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को? डेमो क्लास भी बहुत अच्छी होती है हम लोगों की, तो जो स्टूडेंट है जब वो जब हम उनको सिखाते हैं हम गाड़ी का बोनेट ओपन करके, तो उनको सारी चीज़ों से अवेयर करते हैं कि हाँ ये बैटरी है, कूलेंट इस तरह से चेक करना है, इंजन ऑयल इस तरह से चेक करना है, ठीक है, और ब्रेक फ्लूइड इस तरह से चेक करना है, इतना होना चाहिए, और इसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट पैनल्स के बारे में भी बताते हैं, जैसे गाड़ी के अंदर बिठा के कि किस तरह से आपको अगर आपको हाई बीम करना है, लो बीम करना है, वो सारे वाइपर्स ऑन करने हैं, ठीक है, इंडिकेटर का कैसे यूज करना है, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट पैनल्स के बारे में भी जानकारी दी जाती है डेमो क्लास में। कभी कोई आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो कि प्राइवेट स्कूल से कार ड्राइविंग सीख के कोई आपके स्कूल में आया हो कोई, और उसने आपसे कोई एक्सपीरियंस शेयर किया हो कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा ड्यूरिंग प्राइवेट क्लासेस? हाँ ये एक्सपीरियंस भी हुआ है, एक्सपीरियंसेस तो बहुत सारे होते हैं। चलिए मैम आप एक ही शेयर कर दीजिए। चलो ऐसा था, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, एक डॉक्टर ने हमारे यहाँ पे एडमिशन लिया, तो उन्होंने कहा कि मुझे थ्योरी क्लास वगैरह और सिमुलेटर लेने की ज़रूरत नहीं है, कि मुझे ऑलरेडी ड्राइविंग आती है, बस मैंने प्राइवेट स्कूल से सीखा है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है सर, हम एक आपका टेस्ट ले लेते हैं, अगर आपको ड्राइविंग आती है तो एक बार टेस्ट ले लेते हैं हम आपका। तो उन्होंने कहा ठीक है, हाँ मुझे रेडी हूँ मैं इस चीज़ के लिए। तो जब हमने उनको कार में बिठाया और कहा कि चलो ड्राइव कीजिए, तो उनको अंदर के इंस्ट्रूमेंट पैनल्स के बारे में ही जानकारी नहीं थी, तो मैं उस डॉक्टर मतलब ही वाज नॉट अवेयर, हाँ उनको जानकारी ही नहीं थी, तो मैं बहुत शॉक हुई कि आप कह रहे हो कि आपको ऑलरेडी ड्राइविंग आती है, मतलब उनका कहने मुझे ये लगा कि ड्राइविंग आती है बट नॉलेज नहीं है, फिर भी इसके बाद भी नॉलेज नहीं है, तो मुझे लगा ये लैक ऑफ नॉलेज है, मतलब ड्यू टू ये कह सकते हैं प्राइवेट स्कूल की तरफ से या पर ये है मतलब। मैम जब आप ऑन रोड क्लासेस देते हैं अपनी, उसमें कितने अराउंड 10 डेज की जैसे आपने बताया, कितने किलोमीटर्स पर डे वो कवर करती हैं क्लासेस? हम लोगों का ऐसा है जैसे ऑन रोड क्लासेस जो है हमारी 10 डेज की क्लासेस होती हैं, ठीक है, इसमें हम अनलिमिटेड किलोमीटर्स ड्राइव करवाते हैं। हाँ 1 आवर का टाइम दिया जाता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में हमने देखा एक लिमिटेशन होती है कि हाफ एन आवर के बाद वो लोग आगे नहीं कंटिन्यू करते, एंड यू आर सेइंग दैट यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर अनलिमिटेड, दैट्स ग्रेट। तो 1 आवर का टाइम दिया जाता है, उसमें अनलिमिटेड किलोमीटर्स हैं, तो आप जितनी मर्जी ड्राइव करें मतलब अनलिमिटेड है। मैम लास्ट में एक चीज़ हमें बताइए कि जब आपसे कोई ट्रेनिंग लेके गुलजार मारुति ड्राइविंग स्कूल से जब कोई ट्रेनिंग लेके स्टूडेंट पास आउट करता है, तो आपने बताया आप उनको सर्टिफिकेट देते हैं, तो एक चीज़ एक मैसेज आप उन्हें क्या देते हैं कि जब वो अपनी कार रोड पे लेकर आएंगे सबसे पहले उनके पास क्या होना चाहिए? देखिए सबसे यस यस देखो ये है कि अगर आप ऑन रोड आते हैं तो आपके पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, लाइसेंस के बिना यू कैन ड्राइव। लाइसेंस स्क्रीन के सामने पूरा लाउड वॉइस में यस लाइसेंस मस्ट फॉर एवरीवन, ओके, तो लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, और विदाउट लाइसेंस आप ड्राइव यू कांट ड्राइव, आप ड्राइव नहीं कर सकते लाइसेंस के बगैर। लास्टली हम चाहते हैं एक मैसेज दीजिए यहाँ के व्यूवर्स को, स्पेशली लुधियाना के जो बिल्कुल भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो थियोरेटिकल नॉलेज से रिलेटेड आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कितनी मस्ट है? ठीक है एक स्वीट सा एक अच्छा सा मैसेज दीजिए ताकि सब अवेयर हो सके कि थियोरेटिकल नॉलेज कितनी मस्ट है सबके लिए। यस यस देखिए ऐसा है लाइफ में हमने जो ड्राइविंग है वो एक बार सीखनी है, बार बार नहीं सीखनी है, ठीक है, तो अगर सीखनी है तो क्यों ना तरीके से सीखा जाए, ठीक है, तो क्यों ना बेसिक से ही स्टार्ट किया जाए, तो मेरा सबसे यही लास्ट मैसेज होगा कि आप बेसिक्स पे ज़रूर जोर दीजिए, रदर देन कि आप ये सोचे कि हमें ऑन रोड आ जाए ड्राइव करना, बेसिक इज मस्ट मस्ट मस्ट। एंड मैम जो गुलजार मारुति ड्राइविंग स्कूल में जहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर पे एक रोल, वहाँ पे एक लेडी इंस्ट्रक्टर का भी रोल प्ले कर रहे हैं,
तो कई लोगों को आपके इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कहाँ पे है, इसकी लोकेशन कहाँ है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए बस। ओके, देखिए आप अगर गूगल पे जाएंगे तो वहाँ पे जाके जब सर्च करेंगे मारुति ड्राइविंग स्कूल गुलजार के नाम से, तो वहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं, लोकेशन भी है, सब कुछ वहाँ पे, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन दिस साइट। सो थैंक यू सो मच, कम एंड जॉइन अस। थैंक यू सो मच मैम अपना इतना वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए। तो आपने देखा, यह थे हमारे साथ गुलजार मारुति ड्राइविंग स्कूल की असिस्टेंट मैनेजर मिसिज मनप्रीत, जिन्होंने हमसे शेयर किए ड्राइविंग के कुछ अच्छे अच्छे टिप्स। एवरीबडी लर्न्स टू ड्राइव देयर ओन कार and Gulzar Maruti Driving Schools are providing very superb services to their learners. Yes, we are here in Smart City Ludhiana to introduce you to the manager of Gulzar Maruti Driving School, Mr. Ratan Singh Tata. So not wasting so much time, let's meet him and we will grab some information regarding to their driving school. Hello sir, welcome to Times Punjab TV. How are you? Very fine, sir, ma'am. Very good. Sir, please introduce yourself in your words. Myself, Ratan Singh, working with Gulzar since 1973. Okay. But this school was established in 2010 November, and the first batch was recruited for driving in January 2011. So, sir, around kitne aapke paas learners aate hain on daily basis? Monthly basis pe hamari jo recruitment hai, agar yearly bolu to it is about 400 students around per year. 400. Okay. Haan ji, kyunki kuch lean season hote hain, कुछ पीक सीजन होता है, जैसे समर वेकेशन आ गई तो वो पीक सीजन है, देन वी रिक्रूट मोर देन 60 स्टूडेंट्स पर मंथ। इन लीन सीजन इट देयर इज हार्डली 35-40, इट गोज दिस वे। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।